हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अंडा करी की बहुत ही इजी रेसिपी, और ये बहुत ही कम टाइम में बन भी जाता है। अगर आप बैचलर है, आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, तो आप फटाफट से इसको बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 10 से 15 लहसुन की कली लिया है, 4 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक है। इनको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं अलग कटोरी में। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसको भी हम पेस्ट बना लेंगे पीस करके। तो यहाँ टमाटर का भी पेस्ट तैयार है। यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रखा है, और इसमें हम 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई भी खाने वाला तेल ले सकते हैं। 4 लौंग डालेंगे इसमें, 4 हरी इलायची, 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा। खड़े मसाले को हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, और इसमें आप खड़े मसाले जो भी आपके पास अवेलेबल हो ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मसाले जो है ब्राउन हो चुका है, और यहाँ हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अब हमें प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज को काफ़ी अच्छे तरीके से भूनेंगे हम, पूरी तरह से इसको ब्राउन करना है। और ये अंडा करी इतना कम टाइम में बनता है। जब भी आपको मतलब खाना बनाने के लिए कम टाइम रहे, तो फटाफट से इसको बना सकते हैं। आपको इसको मैक्सिमम बनाने में 20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट में आराम से तैयार हो जाता है। यहाँ देखिए प्याज हमारा अच्छा ब्राउन हो गया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो इससे पहले हम गैस के फ्लेम को लो करेंगे। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे इसमें। और मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना तीखा आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ। लो फ्लेम पे हम मसाले को 1 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाला जलना नहीं चाहिए, आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मसाले को हमने भून लिया है 1 मिनट के लिए, मैंने लो फ्लेम कर रखा है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, मिला देंगे इसको भी। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन हरी मिर्च का, ये तीनों चीज़ों का पेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर हम मसाले को खूब अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे कंटिन्यू चलाते हुए, और गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे, ताकि मसाला हमारा फटाफट से भून जाए। यहाँ मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया था लो फ्लेम पर। तो 2 मिनट ढककर पका लेने से ना मसाले में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब इसको हमें खूब अच्छे से भूनना है। मैंने वापस से गैस के फ्लेम को मीडियम कर लिया है, और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले ना। बस इसको जितना टाइम आपको मसाला तैयार करने में लगेगा ना, मसाला भूनने में, बस उतना ही टाइम इसमें लगने वाला है। इसके बाद पकने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ देखिए मसाला हमारा खूब अच्छे से भून चुका है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब यहाँ पर हम पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उससे आप इसमें आधा ग्लास पानी फालतू डालना, थोड़ा सा पहले इसका ग्रेवी जो पतला ही रखना आप। ग्रेवी में उबाल आने देंगे। मैंने यहाँ पर टोटल 2 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रेवी में काफ़ी अच्छे से उबाल आ चुका है, और 2 मिनट इसको हम ऐसे ही पका लेंगे।
2 मिनट हम ग्रेवी को पका लेते हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए 10 अंडा लिया है, और ये उबला हुआ अंडा नहीं है, कच्चा अंडा है। अभी कैसे डालना है अभी आप देखिएगा। तो अब हम गैस के फ्लेम को लो करेंगे, बिल्कुल एकदम लो पे रखना है। और यहाँ पर बिल्कुल आराम से एक एक अंडा करके इसमें हम डालेंगे तोड़ के। तो बिल्कुल एक ही जगह डालिएगा, तो एक एक करके हम यहाँ पर सारे अंडे तोड़ कर इसमें डाल देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने डाल दिया, ये तीसरा अंडा है। तो सारे अंडे यहाँ पर हम डाल देते हैं, और इसको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल भी आपको इसको टच नहीं करना है। देखिए मैंने इसमें सारा अंडा डाल दिया है और छोड़ दिया इसको। आप 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो अभी अगर आप इसको चला देंगे ना तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपको छोड़ देना है, इससे क्या होगा थोड़े ऐसे अंडे जो हैं टूट जाएंगे, ग्रेवी मिक्स हो जाएंगे, और थोड़े बहुत जो है बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे, तो खाने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए 5-6 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। अब इसको हम हल्के हाथों से एक बार हम चला देंगे, तो देख सकते हैं आप इसमें जो है थोड़े से छोटे छोटे, थोड़े से बड़े बड़े, सब तरह के टुकड़े हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेंगे। अंडा यहाँ पर हमारा कुक हो चुका है, इसमें यहाँ देखिए इसको मैंने 5-6 मिनट तक और पका लिया है। अब यहाँ पर हमारा अंडा कढ़ी तैयार है, और इसका ग्रेवी देखिए कितना ज़्यादा पहले से गाढ़ा हो गया है। ऊपर से हम डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया, और बस इसको भी हम मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे, और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। एक बार आप इस अंडा करी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच में काफ़ी टेस्टी बनता है, और बनाने में मेहनत आपने देखा बहुत ही कम मेहनत लगता है। और अब हम इसको 10 मिनट ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ देखिए ये 10 मिनट ठंडा हो चुका है, अब यहाँ पर हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया, कितना टेस्टी हमारा अंडा करी बना है, और बनाने में कितना मेहनत कम लगा है आपने देखा वीडियो में। तो एक बार इस अंडा करी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।